अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी इकाई के द्वारा शुक्रवार को अंबेडकर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर भोज व संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि इंद्रराज इंदु ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस प्रकार अपने जीवन में सामाजिक गलतियों का विरोध किया और विद्यार्थी परिषद में उनके विचारों को लेकर आज का दिन पूरे भारतवर्ष में एकता दिवस के रूप में मनाती है। यह कार्यक्रम अंबेडकर नगर गुरु रविदास पंचायत कमेटी भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर इंद्रराज ने अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में भारतीय समाज में फैली हुई गलतियों पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि आप सभी अंबेडकर के विचारों पर चलकर इस देश से सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में अपना योगदान दें। इस कार्यक्रम में मंडी शहर के पिछड़े समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे, जिनके साथ विद्यार्थी परिषद ने सामूहिक रूप से मिष्ठान भोजन ग्रहण करते हुए एकता का सभी को संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन पर चलने का हमने एक संकल्प मिलजुल के लिया है। AVVP के छात्र संघ जो है वो यहाँ हमारे साथ मिलके, गुरु रविदास पंचायत कमेटी के साथ मिलके और मोहल्ला वासियों के साथ मिलके इस समरसता का जो संदेश एक पूरे विश्व को, पूरे देश को देना चाह रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज का ये दिन यहाँ पर आयोजित किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस आज की इस पुण्य तिथि को हमेशा याद रखेंगे। और मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो शिक्षाएं हैं उन पर चलें और संगठित बने, संघर्ष करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।